है एवरी वन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो मैं आज आप लोगों के साथ एक वाटर प्रूफ, स्वेट प्रूफ एंड लॉन्ग लास्टिंग मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। इस मेकअप लुक को क्रिएट करना बहुत ही ईजी एंड सिंपल है, बस हम लोगों को कुछ ईजी स्टेप्स फॉलो करना है ये लुक क्रिएट करने के लिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आज का ये लुक स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, तो फर्स्ट मैं यहाँ पे एक वेट टिश्यू की हेल्प से अच्छे से फेस को क्लीन कर लूँगी। अब नेक्स्ट मैं टोनर अप्लाई करूँगी और टोनर को थोड़ा सा पैट कर लूँगी ताकि स्किन में अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए। अब नेचुरल एयर की हेल्प से अच्छे से टोनर को ड्राई कर लूँगी। अब नेक्स्ट मैं मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रही हूँ, मैं ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रही हूँ। अब नेक्स्ट मैं मेकअप सेटिंग स्प्रे करूंगी पूरे फेस पे और उसको भी नेचुरल एयर की हेल्प से अच्छे से ड्राई कर लूंगी। प्रोडक्ट डिटेल्स जो भी रहेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मैं प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ, मेरा ऑयली स्किन है इसलिए मैं सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर अप्लाई करूंगी। प्राइमर के बाद अब मैं यहाँ पे लिक्विड इल्यूमिनेटर अप्लाई कर रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं कहाँ कहाँ पे इल्यूमिनेटर अप्लाई कर रही हूँ। जहाँ जहाँ पे हम लोग हाइलाइटर अप्लाई करते हैं वहाँ पे हम लोगों को लिक्विड इल्यूमिनेटर अप्लाई करना है। अब इल्यूमिनेटर अप्लाई करने के बाद उसको भी मैं ड्राई कर लूंगी नेचुरल एयर की हेल्प से। अब मैं लूज पाउडर से पूरे फेस को अच्छे से सेट कर लूंगी। तो मैं ज्यादा अमाउंट लूज पाउडर अप्लाई कर रही हूँ पूरे फेस पे। एंड लूज पाउडर अप्लाई करने के बाद इसको हम लोगों को 4 से 5 मिनट छोड़ देना है ऐसे ही अच्छे से सेट होने के लिए। एंड सेट हो जाने के बाद एक पाउडर ब्रश की हेल्प से एक्सेस जितना भी लूज पाउडर रहेगा उसको अच्छे से झाड़ देना है, मतलब रिमूव कर देना है। वाटर प्रूफ मेकअप में ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। अब मैं फाउंडेशन अप्लाई करूंगी एंड ये फाउंडेशन जो है इसका शेड वो मेरे स्किन टोन से 1/2 या 1 टोन लाइटर है, बट डोंट वरी आफ्टर मेकअप ये एकदम एडजस्ट हो जाएगा, मेरे स्किन टोन से मैच हो जाएगा। एंड उसको मैं डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं ब्लेंड हो जाने के बाद ये मेरे स्किन टोन से थोड़ा मैच भी हो गया है। अब इस फाउंडेशन को मैं मेकअप फिक्सर से अच्छे से सेट कर लूँगी एंड उसको भी मैं थोड़ा सा ड्राई कर लूँगी। मैं आज कोई कंसीलर अप्लाई नहीं करूँगी क्योंकि फाउंडेशन से इतना अच्छा कवरेज मिल चुका है मुझे। अब नेक्स्ट मैं सेम लूज पाउडर से फिर से सेट कर लूँगी पूरे फेस को। अब मैं एक एंगल ब्रश की हेल्प से आईब्रो को थोड़ा सा फिल कर लूंगी एंड फिल करने के बाद स्पूली ब्रश से अच्छे से आईब्रोज को कॉम कर लूंगी। अब आई मेकअप करते हैं, तो आई मेकअप के लिए फर्स्ट मैं लाइट ब्राउन शेड को क्रीज एंड आईलिड पे अप्लाई करूंगी, उसके बाद डार्क ब्राउन शेड को आउटर वी पे प्लेस करूंगी एंड क्रीज पे थोड़ा सा ब्लेंड करूंगी। अब नेक्स्ट एक व्हाइटी शिमर शेड को 1/2 आईलिड में अप्लाई करूंगी। ये रहा मेरा आई लुक। अब नेक्स्ट मस्कारा अप्लाई करूंगी। अब जितना भी एक्सेस पाउडर था मेरे फेस पे उसको मैं पाउडर ब्रश की हेल्प से अच्छे से रिमूव कर लूंगी। अब करते हैं कॉन्टोर, तो मैं कॉन्टोर भी कर रही हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कहाँ कहाँ पे मैं कॉन्टोर अप्लाई कर रही हूँ, मतलब कॉन्टोर कर रही हूँ। नोज कॉन्टोर भी कर रही हूँ मैं यहाँ पे एक छोटा सा ब्रश की हेल्प से। अब नेक्स्ट मैं ब्लश अप्लाई कर रही हूँ पिंक चिक्स के लिए। ब्लश के बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे हाइलाइटर, तो मैं हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ। और मैंने जितना भी प्रोडक्ट्स अप्लाई किया है यहाँ पे इस मेकअप को क्रिएट करने के लिए सारा कुछ अफोर्डेबल प्राइस में, आप लोग ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अब लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे लिक्विड लिपस्टिक अप्लाई करूँगी। सारा मेकअप हो जाने के बाद लास्ट में फिर से मैं मेकअप फिक्सर स्प्रे कर रही हूँ एंड मैं फिर से ड्राई कर लूंगी इसको नेचुरल एयर की हेल्प से।
एंड दिस इज माई फाइनल लुक। तो दिस इज माई वाटर प्रूफ स्वेट प्रूफ मेकअप लुक। एंड मैं तो आप लोगों को प्रूफ भी कर दिया है मैंने कि ये सच में वाटर प्रूफ है कि नहीं। थोड़ा मोड़ा नहीं, मैं बहुत सारा पानी अप्लाई करके आप लोगों को दिखा दिया हूँ कि सच में ये वाटर प्रूफ है। आप लोग देख के ही समझ रहे हैं कितना वाटर प्रूफ है। एंड अगर आप लोग ये टेक्निक ट्राई करते हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा ये वाटर प्रूफ मेकअप लुक या फिर टेक्निक। अगर आप लोगों को ये वीडियो या फिर ये मेकअप लुक या फिर ये टेक्निक पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब एंड मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन टाटा, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।